जी, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस फेसबुक एड कॉस्ट। हम फेसबुक की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं। एक चीज वेरी क्लियर है कि हमें कोई ना कोई पॉलिसीज या कोई मेथड अडॉप्ट करने पड़ते हैं या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, उनके बिहाफ पे हम अपनी फेसबुक की एड की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 इसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो डिफाइन की हैं। आए हम उनको देखते हैं और उनसे सीखते हैं कि हम कैसे उनको यूज करते हुए, प्रॉपर यूज करते हुए कैसे अपनी कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं फेसबुक ऐड की। फर्स्ट है इसमें आता है जी कि हमारा जो कैंपेन है, जब हम कैंपेन लॉन्च करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव और उसकी प्लेसमेंट वो कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं पॉइंट, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इन सबको देखेंगे। सेकेंड पे हम देखते हैं कि जो हमारी ऑडियंस ओवरलुक हो जाती है वो हमारी कॉस्ट को कैसे डिस्टर्ब करती है, हम उसको कंट्रोल करके, ओवरलैपिंग को कंट्रोल करके अपनी कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज हमारे क्रिएटिव्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते, कैसे उनको बेहतर बना सकते हैं। द फोर्थ वन इज फेसबुक पिक्सल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द फिफ्थ वन इज टारगेटिंग ऑडियंस मोर स्पेसिफिकली। ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको हम अडॉप्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इनको हम देखेंगे, प्रॉपर कस्टमाइजेशन करेंगे तो हमारी कॉस्ट है वो कैसे कंट्रोल होगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले ऑप्शन की तरफ, कैंपेन ऑब्जेक्टिव की तरफ। हम जब भी कोई कैंपेन लॉन्च करते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, क्या हम कोई अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं तो हम ट्रैफिक की कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो फेसबुक पेज है या जो एड हमने चलाई है उसके ऊपर हम एंगेजमेंट चाहते हैं, लाइक्स चाहते हैं, शेयर चाहते हैं, तो हमें एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव है उसको सिलेक्ट करना होगा। देन अगर हमने कोई फॉर्म दिया हुआ है उसकी लीड हम लेना चाहते हैं तो हम वो ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे, अगर हमारे पास कोई हमारी एप्लीकेशन है और उसकी प्रमोशन हम चाहते हैं देन हम उसका ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव जो है ये सिलेक्ट करेंगे, और अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमारे ई कॉमर्स स्टोर है, हम सेल्स चाहते हैं, देन वी विल सिलेक्ट द कैंपेन ऑफ सेल्स। कैंपेन फेसबुक अपनी हेल्प के अंदर अगर आप उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो उसने दिया हुआ है कि आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी सेल्स को और अपनी कॉस्ट इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं, उसमें सबसे पहली ऑप्शन उसने दी हुई है कि अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर सिलेक्ट करें। हमने अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज प्लेसमेंट, कि हम अपनी एड कहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। फेसबुक यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन देता है, एक ऑटोमेटिकली है जिसको उसने नाम दिया हुआ है एडवांटेज प्लेसमेंट, एंड द सेकेंड वन इज मैनुअल। हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, इफ यू आर प्रोफेशनल ऑन फेसबुक आप उसको मैनुअली कर सकते हैं, अदरवाइज फेसबुक ने जो रिकमेंड किया हुआ है वो है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेड है। प्लेसमेंट भी हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करती है और उसको इफेक्टिव बनाती है। नेक्स्ट वन इज ओवरलैपिंग। समटाइम क्या होता है कि हम ऑडियंस को चूज करते हैं और उसमें से कुछ ऑडियंस हम ऐसी चूज कर लेते हैं जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं या सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑडियंस जो क्रिएटेड टारगेटेड ऑडियंस होती है वो ओवरलैप हो जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैप इन द फेसबुक एड इज नॉट पॉजिटिव। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कहाँ कहाँ से देख सकते हैं वो हम देखते हैं। हम चाहेंगे जी सबसे पहले हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, वहां पे हम जाएंगे, वहां पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ये मैंने बनाया हुआ है, वहां पे ऑप्शन आएगी शो ऑडियंस ओवरलैप, हम उस पर क्लिक करें, देन हमें वो फर्दर हमारा ये बता देगा अगर हमारी ऑडियंस ओवरलैप हुई होगी। मैंने ये ऑडियंस बनाई हुई है, यहाँ पे वो ओवरलैप नहीं कर रहा इसलिए वो ओवरलैपिंग यहाँ पे शो नहीं कर रहा, अगर आपकी ऑडियंस ओवरलैप होगी तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट वन इस ओवरलैप को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए फेसबुक ने ऑप्शन दी हुई है कि आप इसका रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या हम अपने एड्स मैनेजर में जाके कैंपेन पे क्लिक करेंगे, देन हमें राइट साइड पे नजर आएगा रूल्स, हम रूल्स पे जब क्लिक करेंगे वहां पे क्रिएट न्यू रूल आ जाएगा, उस पर हम क्लिक करके अपना एक रूल जो है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, उस रूल की मदद से हमारी ओवरलैपिंग ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल करेगा, फेसबुक जो है इंटरनली उसको कंट्रोल करेगा। यहाँ पे आप ऑप्शन क्लिक करेंगे रिड्यूस ऑप्शन ओवरलैप, देन क्या होगा वो फर्दर हमें हमारे पास एक ऑप्शन आएगी टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट, यहाँ पे इस तरह वो हमारा रूल क्रिएट हो जाएगा और हम अपनी ओवरलैपिंग को कंट्रोल कर सकेंगे। ओवरलैपिंग हमारी जो एड को हम रन करते हैं इनिशियली हमारी एड जो है वो लर्निंग फेज में चली जाती है या लिमिटेड लर्निंग में चली जाती है, ठीक है। इसका मैंने प्रीवियसली अपने लेक्चर में ये सारा एक्सप्लेन किया है, मैं दोबारा कर देता हूँ, जब भी हम कोई एड लॉन्च करते हैं तो वो अपने लर्निंग स्टेज में चली जाती है, लर्निंग फेज में जाती है, लर्निंग फेज से वो तब निकलती है जब उसके 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। अगर हमारी ऑडियंस हमारी एड ओवरलैपिंग के अंदर चली जाएगी वहां पे हमारे पास लर्निंग फेज में ये ज्यादा टाइम लेगी, उससे हमारी कॉस्ट भी इफेक्ट होगी।
लिहाजा अगर हम चाहते हैं हमारी फेसबुक की कॉस्ट इफेक्टिव रहे और उस ग्रुप कंट्रोल में रहे, हम ओवरलैपिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें कंट्रोल करना है। द नेक्स्ट वन इज रिफ्रेश योर क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फेसबुक एड्स। आपने जो इमेजेस बनाई हैं वो एक्सीलेंट होने चाहिए, आपकी जो वीडियो है वो भी एक्सीलेंट होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन इज ऑडियो। योर ऑडियो इन द क्रिएटिव्स दैट शुड ऑल्सो बी वेरी क्लियर। देखें फेसबुक डिफरेंट पार्ट्स में है, हर पार्ट का एक अपना रोल है, हर रोल को अप टू द मार्क होना चाहिए, देन हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता, हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि हमें कुछ ना कुछ पॉलिसीज, कोई स्ट्रेटेजीज, कोई मेथड अडॉप्ट करने पड़ते हैं। यही वो मेथड है, यही वो पॉलिसीज हैं, यही वो स्ट्रेटेजीज हैं जिनको हम अडॉप्ट करके अपनी फेसबुक की एड की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल फेसबुक एड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताते हैं हमारे पेज के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या एक्टिविटी हुई, कौन आया और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हुई। हमें पेज व्यू, व्यू कंटेंट, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी, हाउ टू सेटअप फेसबुक इवेंट पिक्सल, उसमें मैंने तमाम चीजों को एक्सप्लेन किया था। अब आती है जी भारी टारगेट मोर स्पेसिफिक ऑडियंस। मैं फेसबुक एड्स के अंदर अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, अपने हर लेक्चर में कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है टारगेट ऑडियंस। अगर आपकी फेसबुक एड्स की टारगेट ऑडियंस बेहतर है देन आपकी एड जो है मोर कॉस्ट इफेक्टिव होगी। इसको हम कैसे देखते हैं, जब भी हम एडवांस डिटेल टारगेटिंग करते हैं हमारे पास तीन ऑप्शंस होती हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। इन तीनों के बिहाफ पे, इन तीनों के बेस के ऊपर हम अपनी ऑडियंस को चूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी डिटेल टारगेटिंग की वीडियो में ये सारा एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसमें भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेमोग्राफिक क्या होता है, जो यूजर है या ऑडियंस है वो अपने प्रोफाइल के अंदर क्या लिखा होता है उसने, दैट्स कॉल्ड डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक के अंदर आता है व्हाट इज हिज एजुकेशन, उसकी फाइनेंशियल्स, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप। ठीक है जी, ये डेमोग्राफिक के अंदर आता है। फेसबुक के प्रोफाइल के अंदर जब भी एक फेसबुक अकाउंट बनता है तो एक यूजर अपने प्रोफाइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन देता है दैट्स कॉल्ड डेमोग्राफिक। देन नेक्स्ट आता है जी हमारे पास इंटरेस्ट क्या है, जो एक ऑडियंस हम चूज कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट क्या होगा, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली, फिटनेस, फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज एंड मैनी अदर्स। क्या जी, देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है बिहेवियर। व्हाट इज बिहेवियर, बिहेवियर डिटेल टारगेट ऑडियंस के अंदर थर्ड कैटेगरी है जिसके अंदर हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि अपनी स्पेंडिंग फेसबुक के ऊपर करते हैं। देन इसमें ये देखें, यहाँ पे जी बिहेवियर में आके हमने सेलेक्ट किया परचेज बिहेवियर। आगे उसकी डिस्क्रिप्शन में फेसबुक कहता है पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन, वो तमाम लोग बिहेवियर के अंदर आएंगे जिनका जिन्हों जो हमेशा या मोस्टली कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं। ये था जी आज का हमारा लेक्चर कि हम अपने फेसबुक एड की कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं अपने लेक्चर को हमेशा से जो हमने पढ़ा होता है या सीखा होता है उसको रिवाइज करता हूँ। हमने सबसे पहले देखा कि हम अपनी कैंपेन को है उसके ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कैसे करेंगे और उसकी प्लेसमेंट जो है वो अच्छे तरीके से कहाँ पे हमने लोगों को अपनी एड दिखानी है वो हम सिलेक्ट करेंगे। देन अगर हमारी एड ओवरलैप में चली जाती है, ऑडियंस ओवरलैप में चली जाती है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। देन हमारे क्रिएटिव्स वो भी हमारे अप टू द मार्क होने चाहिए। सेटअप फेसबुक पिक्सल इसको प्रॉपर सेटअप करना चाहिए, इसके ऊपर कंप्लीट एक मेरा ट्यूटोरियल मौजूद है वो आप देख सकते हैं। देन द फाइनल इज टारगेट ऑडियंस, कि हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस वो कैसे चूज कर सकते हैं। इन सब चीजों को जो हम जब हम प्रॉपर करेंगे जैसा कि फेसबुक कहता है हमारी एड जो है वो ज्यादा देर लर्निंग फेज में नहीं रहेगी, उसके 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स जल्दी कंप्लीट होंगे, हमारी एड जल्दी एक्टिव होगी और कॉस्ट इफेक्टिव होगी। ठीक है जी, ये था जी आज का लेक्चर और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर इस मेरे लेक्चर में से आपने 1% भी सीखा है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स जरूर दीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।